जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का शर्मा फैंटेसी ग्रुप में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान आज के महामुकाबले मैच के बारे में। दोस्तों बता दूं, ये मैच शाम को 7:30 से स्टार्ट होगा, लेकिन दोस्तों ये टाइम जो टीवी यूजर है उनको लिए है। दोस्तों यदि आप फैंटेसी यूजर हो तो दोस्तों आपको यह मैच के लिए कम से कम दोस्तों 6 बजे से ही रेडी रहना होगा। यदि दोस्तों आप ग्रैंड लीग में सुपर रैंक लाना चाहते हो, दोस्तों स्मॉल लीग क्लीन स्वीप करना चाहते हो, तो दोस्तों आपको थोड़ा सा टाइम तो होगा इस मैच में। और साथ ही साथ दोस्तों बता दूं, आपके लिए मैंने इस वाले वीडियो में बहुत ही बेहतरीन 15 ग्रैंड लीग का कॉम्बिनेशन दोस्तों बनाया। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, 15 दोस्तों ग्रैंड लीग का कॉम्बिनेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में। बस दोस्तों आप लोग वीडियो को पूरा देखना। यदि आप दोस्तों ग्रैंड लीग बहुत खेलते हो और बहुत अच्छे यूजर हो और दोस्तों ग्रैंड लीग विन करते हो तो दोस्तों आपके लिए परफेक्ट वीडियो। और जिन भाइयों ने कभी भी ग्रैंड लीग नहीं जीता है और वो सीखना चाहते हैं कि ग्रैंड लीग में कैसे टीम बनाना चाहिए तो दोस्तों उनके लिए भी यह परफेक्ट वीडियो है। और साथ ही साथ दोस्तों एक बात का बस ध्यान रखना, मैं जितना भी आपको कॉम्बिनेशन बनाए हूं दोस्तों, देख लो टस अभी नहीं हुआ है और दोस्तों फाइनल प्लेइंग 11 कोई भी टीम का नहीं आया है, तो कोई भी चेंजेस होगा जितना भी दोस्तों मैंने आपको कॉम्बिनेशन वीडियो में बताऊंगा, टेंशन मत लेना दोस्तों। बस आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों कॉमेंट सेक्शन के जो फर्स्ट वाला कॉमेंट होता है उसके नीचे दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। कोई भी चेंजेस होगा मैं फिर से दोस्तों आपको फाइनल टीम सभी कॉम्बिनेशन का आपको मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक ना। यदि आप दोस्तों स्मॉल लीग खेलना चाहते हो तो टेंशन मत लो दोस्तों, स्मॉल लीग का भी कॉम्बिनेशन मैं टस के बाद दोस्तों आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। और एक बात दोस्तों और करना, यदि आप भी तक आपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों आप यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों नोटिफिकेशन का घंटी जरूर बजा देना, जिससे दोस्तों मेरे वीडियो का आगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं इंडिया और पाकिस्तान का दोस्तों आज क्या प्लेइंग 11 होगा। और साथ ही साथ दोस्तों बता दूं, जो मैं अभी आपको प्लेइंग 11 बताऊंगा दोस्तों ये फाइनल प्लेइंग 11 नहीं है। फाइनल प्लेइंग 11 दोस्तों मैं आपके साथ टस के बाद टेलीग्राम पे शेयर करूंगा, क्योंकि दोस्तों देखो कोई भी टीम अपना फाइनल प्लेइंग 11 अभी प्रोवाइड नहीं किए, तो ये बात का दोस्तों ध्यान रखिएगा। इंडिया की तरफ से दोस्तों रोहित शर्मा ओपनिंग में नजर आएंगे राहुल के साथ, फिर दोस्तों विराट कोहली, ऋषभ पंत, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, चहल, भुवनेश्वर कुमार, आवेश खान और अक्षदीप सिंह। दोस्तों इंडिया के टीम में मुझे जैसा लगता है एक ही चेंज हो सकता है। देखो आपको यहाँ पे दिखेगा मैंने दिनेश कार्तिक को नहीं रखा अपने टीम में। यदि दोस्तों दिनेश कार्तिक खेलते हैं तो दोस्तों इधर से अक्षदीप सिंह को ड्रॉप होना होगा। अब देखो इंडिया क्या करती है, अक्षदीप सिंह को खिलाती है या नहीं खिलाती है, क्योंकि देखो नहीं भी खिलाएगी तब भी दोस्तों इंडिया के पास मेन 5 बॉलर रहेंगे, आवेश खान, भुवनेश्वर कुमार, चहल, जडेजा और हार्दिक पांड्या। यदि दोस्तों अक्षदीप सिंह खेलते हैं तो ऐसे में दोस्तों जडेजा का ओवर कटने का 100% गारंटी रखना, ठीक ना। ऐसे में दोस्तों मुझे जैसा लगता है जडेजा और हार्दिक पांड्या दो दो ओवर कराएंगे और अक्षदीप सिंह दोस्तों 4 ओवर बॉलिंग कराते हुए दिख सकते हैं। देखो फाइनल 11 में क्या दिनेश कार्तिक खेलते हैं या नहीं, ये चीज दोस्तों हम लोग टॉस के बाद मैं आपको शेयर कर दूंगा। बात कर ले दोस्तों पाकिस्तान का आज क्या प्लेइंग 11 होगा, तो दोस्तों बता दूं ओपनिंग में रिजवान बाबर दिखेंगे, फर्स्ट राउंड फकर जवान आएंगे, फिर दोस्तों इख्तियार अहमद, कुलदील शाह, हासिफ अली, सदाफ खान, नवाज हसरूफ, नदीम शाह और दोस्तों लास्ट ऑप्शन कंफर्म नहीं है। जैसे दोस्तों इंडिया का आपने देखा लास्ट ऑप्शन कंफर्म नहीं है, क्या दिनेश कार्तिक खेलेंगे या अक्षदीप सिंह खेलेंगे, सेम दोस्तों पाकिस्तान के साथ भी वही प्रॉब्लम है कि धानी खेलेंगे या हसन अली खेलेंगे या एमदी हसन खेलेंगे, क्योंकि आपको भी मालूम है शहीन शाह अफरीदी दोस्तों चोटिल हो गए थे और साथ ही साथ मोहम्मद वाजिब भी दोस्तों चोटिल हो गए थे। यही प्रॉब्लम है कि दोस्तों पाकिस्तान ने 2 रिप्लेसमेंट बॉलर बुलाए हैं अपने टीम के लिए, हसन अली और दोस्तों एमडी हसन, तो यही दोनों में से दोस्तों मुझे जैसा लगता है खेलना चाहिए। अब देखो कहीं दोस्तों धानी को भी पाकिस्तान खिला ले, क्योंकि देखो धानी स्टार्टिंग से ही जुड़े हुए हैं और हसन अली और एम हसन दोस्तों रिप्लेसमेंट के तौर पे आए हैं टीम में, तो देखते हैं दोस्तों बाबर आजम किसको खिलाती है। यदि मुझसे पूछो तो दोस्तों मुझे जैसा लग रहा है कि हसन अली को खेलना चाहिए, क्योंकि बाबर आजम का दोस्तों फेवरेट बॉलर हसन अली है और विकेट टेकर बॉलर है दोस्तों, और इंडिया के अगेंस्ट काफी अच्छा रिकॉर्ड भी है। देखते हैं दोस्तों जो भी फाइनल 11 होगा दोनों टीमों का मैं आपको टॉस के बाद टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं जिसका दोस्तों हम लोग का इंतजार था। दोस्तों कॉम्बिनेशन यहाँ से स्टार्ट होता है, टोटल दोस्तों 15 कॉम्बिनेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा और दोस्तों सभी कॉम्बिनेशन ग्रैंड लीग का है, ये बात का ध्यान रखना। और मैं स्टार्टिंग में ही बोल देता हूँ दोस्तों, आपको कोई भी चेंज करना होगा दोस्तों मेरे कॉम्बिनेशन में कर सकते हो। और एक बात का और ध्यान रखना, जो भी प्लेइंग 11 आएगा उसके हिसाब से दोस्तों हम लोग को चेंजेस करना पड़ेगा। टॉस दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कौन सा टीम बैटिंग फर्स्ट कर रही है, कौन सा टीम दोस्तों बैटिंग सेकेंड कर रही है,
क्योंकि दोस्तों मैंने उसी को ध्यान में रख के कॉम्बिनेशन बनाया है। मैं आगे दोस्तों आपको बताऊंगा किस टीम को आप बाहर कर सकते हो, किस टीम को दोस्तों आप ड्रॉप कर सकते हो यदि पाकिस्तान की टीम फर्स्ट बॉलिंग करती है या इंडिया की टीम फर्स्ट बॉलिंग करती है। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा सभी कॉम्बिनेशन को, और जो भी कॉम्बिनेशन आपको सही लगे आप उसके साथ दोस्तों जा सकते हो, ठीक ना। चलिए बात करते हैं फर्स्ट कॉम्बिनेशन। दोस्तों फर्स्ट कॉम्बिनेशन हम लोग का है 0+5 का कॉम्बिनेशन। 0+5 का कॉम्बिनेशन क्या होता है दोस्तों, तो यदि कोई भी टीम दोस्तों 10 विकेट से मैच विन करती है तो ऐसे कॉम्बिनेशन को दोस्तों हम लोग 0+5 को कॉम्बिनेशन कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, देखो 10 विकेट से टीम मैच विन कर रही है तो सिंपल सा बात है जो टीम सेकेंड बैटिंग कर रही है वही ना दोस्तों 10 विकेट से मैच विन कर सकती है। सेकेंड बात दोस्तों, 10 विकेट से मैच विन कर रही है डैट मीन दोस्तों उस टीम का एक भी विकेट नहीं गिरा है, डैट मीन दोस्तों 0 विकेट गिर रहा है। और एक और बात डाउनलोड दोस्तों, यदि 10 विकेट से मैच विन कर रही है जो टीम तो उसके बॉलर डेफिनेटली फर्स्ट इनिंग में सभी बॉलर विकेट लेंगे। ऐसा नहीं है कि सभी बॉलर लेंगे लेकिन मैक्सिमम चांस दोस्तों वही है, क्योंकि सामने वाला टीम का तो दोस्तों विकेट ले नहीं सकता है क्योंकि एक भी विकेट गिरे नहीं है। तो मैक्सिमम चांस दोस्तों जो टीम फर्स्ट सेकेंड बैटिंग कर रही है उसी का बॉलर का चांस है दोस्तों विकेट लेने का। तो दोस्तों इसी को हम लोग कहते हैं 0+5 का कॉम्बिनेशन। दोस्तों फर्स्ट कॉम्बिनेशन में मैंने इंडिया को फेवर किया है। यदि दोस्तों आज का मैच में इंडिया यदि सेकेंड बैटिंग करते हुए 10 विकेट से मैच विन करती है तो आप कैसे कॉम्बिनेशन बनाओगे, तो सबसे पहले दोस्तों इंडिया के आप दोनों ओपनर को कैप्टन वाइस कैप्टन बना दो। आप किसी को भी कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। मैंने रोहित को किया वाइस कैप्टन दोस्तों, मैंने राहुल को किया है। और दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो तो मैंने इंडिया के पांचों बॉलर को अपने नेशन में रखा है। यहां पे दोस्तों मैं ये मान रहा हूं कि आज के मैच में दिनेश कार्तिक खेल रहे हैं और अक्षीप सिंह दोस्तों नहीं खेल रहे, लेकिन दोस्तों यदि अक्षीप सिंह खेलेंगे तो आप जडेजा को ड्रॉप कर देना और अक्षीप सिंह को बॉलिंग सेक्शन से अपने टीम में रख लेना, ठीक ना। और आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना है और ये कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हो यदि इंडिया सेकेंड बैटिंग करे। आप देख सकते हो मैंने इंडिया के पांचों बॉलर रखा है, जडेजा, हार्दिक पांड्या, भुवनेश्वर, चहल और अबेस खान। और दोस्तों देखो मैंने पाकिस्तान के चार इंपॉर्टेंट बल्लेबाज रखा है सिर्फ और सिर्फ रिजवान, बाबर, ए अली और एस खान। दोस्तों एस खान बता दूं ये आपको बैटिंग से भी स्कोर करते हैं, ठीक ना, बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर है। सरफराज खान का दोस्तों इधर आप रिसेंट फॉर्म भी देखो, 100 में भी काफ़ी अच्छे बैटिंग करके आ रहे हैं। यदि आप इनको नहीं रखना चाहते हो तो आप इधर से फखर जमान को बैटिंग सेक्शन से रख सकते हो। ये है दोस्तों हम लोग को इंडिया को फेवर करके 0+5 का कॉम्बिनेशन बनाया। सेकेंड कॉम्बिनेशन में दोस्तों मैंने पाकिस्तान को फेवर किया है। यदि दोस्तों आपको ध्यान होगा वर्ल्ड कप वाला मैच जिसमें दोस्तों इंडिया 10 विकेट से मैच हारी थी तो दोस्तों यही कॉम्बिनेशन था पाकिस्तान का। और दोस्तों जो रैंक वन आए थे उस वाले मैच में तो दोस्तों सेम यही कॉम्बिनेशन के साथ दोस्तों रैंक वन आए थे। कैप्टन रिजवान, वाइस कैप्टन दोस्तों बाबर आजम, पाकिस्तान के पांचों बॉलर दोस्तों आपके टीम में होने चाहिए यदि आप पाकिस्तान को फेवर करके टीम बना रहे हो। और एक बात का और ध्यान रखना दोस्तों, यदि पाकिस्तान की टीम सेकेंड बैटिंग करे तभी दोस्तों ये कॉम्बिनेशन को आपको लगाना है, नहीं तो अदरवाइज दोस्तों आप ड्रॉप कर सकते हो। यदि दोस्तों इंडिया की सेकेंड बैटिंग टीम करती है तो आप ऊपर वाला कॉम्बिनेशन ले लेना, यदि दोस्तों पाकिस्तान की टीम सेकेंड बैटिंग करती है तो आप ये कॉम्बिनेशन ले लेना। इस कॉम्बिनेशन में दोस्तों देखो तो मैंने इंडिया के चार इंपॉर्टेंट बल्लेबाज अपने टीम में रखे हैं, क्योंकि देखो रोहित शर्मा को मैंने ड्रॉप कर दिया है क्योंकि देखो इंडिया हार रही है, रोहित शर्मा स्टार्टिंग में आउट हो रहे हैं तो डेफिनेटली आप उन्हें ड्रॉप कर सकते हो। आप इधर से ऋषभ पंत को रख लो जो आपको स्कोर करके देंगे और साथ ही साथ विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं। फिर विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव और राहुल को मैंने टीम में रखा है। आप दोस्तों यहाँ पे हार्दिक पांड्या को भी रख सकते हो, इधर से ऋषभ पंत को ड्रॉप करके कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, आपको ज़्यादा इंडिया का बॉलर हम लोग को अपने टीम में नहीं रखना है क्योंकि पाकिस्तान की टीम का 0 विकेट गिर रहा है, ठीक ना। ये दोस्तों 0+5 का कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन दोस्तों मैंने बनाया ओपनर प्लस फिनिशर। दोस्तों ऊपर जो मैंने दो आपको कॉम्बिनेशन बताया वो तो था कि सेकेंड बैटिंग टीम करे तो कैसे आप कॉम्बिनेशन बनाओगे, अब दोस्तों मैं आपको दो कॉम्बिनेशन बताऊंगा, एक इंडिया को फेवर करते हुए और एक दोस्तों पाकिस्तान को फेवर करते हुए। यदि पाकिस्तान और इंडिया की टीम फर्स्ट बैटिंग करती है तो आप कैसे कॉम्बिनेशन बनाओगे, तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यदि इंडिया की टीम फर्स्ट बैटिंग करती है और उनके 1 से 2 विकेट गिरते हैं मात्र तो आप कैसे कॉम्बिनेशन बना सकते हो। दोनों ओपनर को दोस्तों देखो मैंने टीम में रखा है, राहुल और रोहित शर्मा को, और मैंने फिनिशर के रूप में हार्दिक पांड्या को रखा है क्योंकि देखो कोई भी टीम यदि फर्स्ट बैटिंग कर रही है तो डेफिनेटली यदि 18 ओवर तक उसका विकेट नहीं गिरता है तो दोस्तों 19वां और 20वां ओवर में डेफिनेटली एक विकेट गिरने का चांस है। सेकेंड बैटिंग में दोस्तों नहीं गिरता है, लेकिन फर्स्ट बैटिंग जो टीम करती है वो कोशिश करती है जितना बड़ा टारगेट हो जाए उतना बड़ा टारगेट दे, तो ऐसे में दोस्तों 1 से 2 विकेट गिर जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों
आपके लिए हार्दिक पांड्या ट्रम्प कार्ड प्लेयर हो सकते हैं, क्योंकि देखो यदि इंडिया का विकेट 18वां ओवर में गिरता है तो दोस्तों टीम विराट कोहली को नहीं भेजेगी, टीम दोस्तों हार्दिक पांड्या को भेजेगी मैच को फिनिश करने के लिए। और आपको भी मालूम है दोस्तों हार्दिक पांड्या अभी सुपर फॉर्म में चल रहा है, तो डेफिनेटली आप हार्दिक पांड्या को टीम में रख सकते हो। कैप्टन वाइस कैप्टन दोस्तों राहुल और रोहित को कर सकते हो, लेकिन मैंने हार्दिक को किया है क्योंकि देखो हार्दिक आपको बॉलिंग से भी एक्स्ट्रा पॉइंट देंगे। तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों ओपनर प्लस फिनिशर का कॉम्बिनेशन में दोस्तों ओपनर को हम लोग कैप्टन कहते हैं और वाइस कैप्टन दोस्तों हम लोग फिनिशर को कहते हैं। फिनिशर दोस्तों इधर से हार्दिक पांड्या हो गए इंडिया की तरफ से, आप इधर से देखो तो पाकिस्तान के बॉलर मैंने एक रखे हैं एच राउत दोस्तों, जो डेथ में बॉलिंग कराते हैं और डेथ में बॉलिंग कराते हैं और मेनली दोस्तों बता दूं ये 18वां ओवर बॉलिंग कराते हैं। और दोस्तों मैं भी यही चाह रहा हूं कि इस वाले मैच में रोहित शर्मा 18वां ओवर में आउट हो जाए तो हम लोग के लिए सही पिक बन जाएगा। दोस्तों राहुल विकेट ले रहे हैं और रोहित शर्मा को दोस्तों मैंने ड्रॉप कर दिया, हार्दिक पांड्या बैटिंग करने आते हैं। लास्ट दो ओवर में दोस्तों हार्दिक पांड्या 30 रन स्कोर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे प्लेयर है, हार्ड हिटिंग करके कर सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों आप चेंज भी कर सकते हो, राहुल की जगह आप नदीम शाह को भी कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है दोस्तों राहुल दोस्तों डेथ में बहुत ही अच्छे बॉल करते हैं, तो इसलिए दोस्तों मैंने राहुल को रखा है पाकिस्तान की तरफ से। और आप देखो तो मैंने इंडिया के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बल्लेबाज है वो सभी मेरे टीम में है, भुवनेश्वर कुमार, चहल, आबेश खान, जडेजा और हार्दिक पांड्या। क्योंकि दोस्तों यदि आपको ध्यान होगा कल का मैच यदि आपने देखा होगा तो दोस्तों आपको ध्यान होगा नबी ने दो विकेट लिया था, फास्टर का दोस्तों पीस था, अफगानिस्तान और श्रीलंका वाला मैं मैच का बात कर रहा हूँ, पीस दोस्तों आपने देखा होगा तो स्टार्टिंग में काफ़ी स्विंग मिल रही थी, लेकिन दोस्तों स्पिनर को भी विकेट मिले थे, नदीम दोस्तों दो विकेट लिए थे, मुजीब दोस्तों दो विकेट लिए थे, साथ ही साथ दोस्तों बता दूँ इधर से हसरंगा एक विकेट लिए थे, डैट मीन्स दोस्तों पाँच विकेट स्पिनर को कल मिले थे। तो ऐसा नहीं है कि स्पिनर को विकेट नहीं मिलेगा, मिलने का चांस है, ये बात का ध्यान रखिएगा। बात करें नेक्स्ट कॉम्बिनेशन तो दोस्तों इसमें मैंने पाकिस्तान को फेवर किया है, यदि पाकिस्तान की टीम फर्स्ट बैटिंग करती है तो आप कैसे ओपनर प्लस फिनिशर का कॉम्बिनेशन पाकिस्तान को फेवर करके बना सकते हो। दोस्तों देखो मैंने कैप्टन बाबर को किया है और दोस्तों फिनिशर के रूप में मैंने दोस्तों सरफराज खान को रखा है, क्योंकि देखो ये मैच को फिनिश करेंगे और साथ ही साथ दोस्तों ये आपको चार ओवर कंप्लीट बॉलिंग भी करेंगे और यदि ये विकेट ले लेते हैं तो दोस्तों आपके लिए ये प्लस पॉइंट हो सकते हैं। आप यहां पे एक चेंज और कर सकते हो, बाबर को कैप्टन न करके दोस्तों आप रिजवान को भी कैप्टन कर सकते हो, लेकिन मैं एक बात बता देता हूं दोस्तों ये रिकॉर्ड है, जब भी पाकिस्तान की टीम फर्स्ट बैटिंग करती है ना तो दोस्तों बाबर का एवरेज ज्यादा बेटर होता है एज कंपेयर टू रिजवान, और दोस्तों यदि पाकिस्तान की टीम सेकेंड बैटिंग करती है तो दोस्तों रिजवान का ज्यादा बेटर एवरेज होता है एज कंपेयर टू बाबर। तो ये ट्रिक को दोस्तों मैंने यूज किया है, यदि पाकिस्तान की टीम फर्स्ट बैटिंग कर रही है तो आप बाबर को कैप्टन कर सकते हो। इस वाले टीम में देखो तो दोस्तों मैंने इंडिया के एक बॉलर को रखा है भुवनेश्वर कुमार, दोस्तों डेथ में बॉलिंग करेंगे, क्योंकि देखो इंडिया के पास बुमराह तो है नहीं, हर्षल पटेल तो है नहीं, जो दोस्तों मेनली डेथ में बॉलिंग कराते थे और इंडिया के मेन विकेट टेकर बॉलर थे। तो ऐसे में दोस्तों भुवनेश्वर कुमार आज के मैच में बहुत इंपॉर्टेंट बॉलर हो सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक ध्यान दोगे तो मैंने ए अली को अपने टीम में रखा है, क्योंकि देखो पाकिस्तान की टीम के दोस्तों ये भी बहुत ही सुपर फिनिशर है और इनका लेटेस्ट डोमेस्टिक मैच का दोस्तों बात करें तो दोस्तों डोमेस्टिक में इनका जो आखिरी मैच था दोस्तों वो 101 रन करके आ रहे हैं, 42 गेंद में 101 रन किए थे, उस मैच में दोस्तों इन्होंने 9 सिक्स स्कोर किए थे। तो ऐसे कॉम्बिनेशन में दोस्तों जिसमें हम ओपनर प्लस फिनिशर बना रहे हैं तो ए अली को अपने टीम में ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज दोस्तों आप इन्हें नहीं करना चाहते हो तो इनके जगह दोस्तों आप पाकिस्तान के किसी भी बॉलर को रख लेना, वो ज्यादा सही रहेगा। यदि हसन अली खेलते हैं दोस्तों तो आप हसन अली को अपने टीम में रख सकते हो। इंडिया की तरफ से दोस्तों देखो तो मैंने रोहित शर्मा को रखा है, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या, मैंने जो तीन इंपॉर्टेंट बल्लेबाज है जो अभी रिसेंट फॉर्म जिनका अच्छा चल रहा है, देखो राहुल का रिसेंट फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है ये बात का ध्यान रखिएगा, बट खिलाड़ी वो भी काफी सही है, तो आप रोहित शर्मा की जगह राहुल को भी अपने टीम में रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ना। ये कॉम्बिनेशन दोस्तों मैंने पाकिस्तान को फेवर करके बनाया ओपनर प्लस फिनिशर का कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन का दोस्तों बात करें तो दोस्तों ये कॉम्बिनेशन है फॉल्स वन कॉम्बिनेशन। अब फॉल्स वन कॉम्बिनेशन क्या होता है दोस्तों, हम लोगों ने ये तो कॉम्बिनेशन बना लिया कि इंडिया 10 विकेट से मैच विन करती है तो कैसे कॉम्बिनेशन बनाएंगे, यदि दोस्तों इंडिया 9 विकेट से मैच विन करती है, एक विकेट दोस्तों गिर जाता है इंडिया का स्टार्टिंग में ही, तो आप फिर कैसे कॉम्बिनेशन बनाओगे। तो ऐसे में दोस्तों आप देखो तो मैंने क्या टीम रखा है इंडिया का, राहुल को कैप्टन किया, वाइस कैप्टन दोस्तों कोहली को किया, क्योंकि देखो रोहित शर्मा आउट हो रहे स्टार्टिंग में तो डेफिनेटली कोहली बड़ा स्कोर करेंगे तो वाइस कैप्टन आप कर सकते हो, राहुल कैप्टन क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही खेलेंगे। ऐसे में दोस्तों मैंने इधर से देखो तो ओपनिंग बॉलर नदीम शाह को रखा है, दोस्तों स्टार्टिंग में बॉलिंग करेंगे और स्विंग कराएंगे, तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों ये रोहित शर्मा को आउट कर सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों यदि आपको लगता है कि राहुल आउट होगा स्टार्टिंग में तो आप राहुल को ड्रॉप करके रोहित शर्मा को रख लेना टीम में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस दोस्तों कॉम्बिनेशन यही रखना जो दोस्तों फॉल्स वन कॉम्बिनेशन कहता है, इसको ज्यादा चेंज मत करना, प्लेयर चेंज कर सकते
सकते हो, लेकिन मेन जो हम लोग का जो मेन डेप्थ है उसको चेंज मत कीजिएगा। ऐसे में दोस्तों आप देखो तो मैंने इंडिया के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉलर है उसको अपने टीम में रखा है। इस वाले टीम में दोस्तों मैंने भुवनेश्वर चहल ए सिंह को रखा है दोस्तों, क्योंकि देखो यदि आवेश खान खेलती है दोस्तों, यही एक कंफ्यूजन है प्लेइंग 11 में इंडिया का कि क्या ए सिंह खेलेगा या दोस्तों दिनेश कार्तिक खेलेगा। जो भी दोस्तों चेंजेस होगा, फाइनल चेंजेस दोस्तों मैं सभी कॉम्बिनेशन का दोस्तों मैं फिर से आपको एक बार टेलीग्राम पे दे दूंगा। बस दोस्तों अभी आप टीम समझो, कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है दोस्तों ये चीज समझ लो, तो दोस्तों आप खुद से भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो। इधर से दोस्तों देखो तो पाकिस्तान के मैंने जो मेन इंपॉर्टेंट बैट्समैन है उनको अपने टीम में रखा है, रिजवान, बाबर, फखर जमान और एम नवाज। दोस्तों एम नवाज को रखने का एक और कारण है, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो मैंने एस खान को नहीं रखा है, एम नवाज को रखा है। इसके पीछे दोस्तों एक ट्रिक है, देखो इंडिया का यदि स्टार्टिंग में विकेट गिरता है तो नदीम शाह यदि विकेट न ले पाए तो दोस्तों बता दूँ मोहम्मद नवाज भी दोस्तों पावर प्ले में ही बॉलिंग कराते हैं। और आपको एक बार मैं ध्यान दिला दूँ, रोहित शर्मा का लेफ्ट आर्म के सामने बहुत ही खराब रिकॉर्ड है, और दोस्तों ये मोहम्मद नवाज लेफ्ट आर्म बॉलर है, तो कंडीशन में रोहित शर्मा दोस्तों नदीम शाह के बॉल पे आउट नहीं होते हैं तो दोस्तों मोहम्मद नवाज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग का कॉम्बिनेशन क्या कहता है दोस्तों कि मुझे स्टार्टिंग में इंडिया का एक विकेट चाहिए, तो स्टार्टिंग बॉलर तो दोस्तों यही दोनों होने वाले हैं पाकिस्तान की तरफ से, तो ये कॉम्बिनेशन परफेक्ट हम लोग का बैठता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं फॉल्स वन कॉम्बिनेशन पाकिस्तान को फेवर करके हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों देखो इस वाले कॉम्बिनेशन में मैंने बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया है, क्योंकि मुझे एक विकेट तो चाहिए, और बाबर आजम को दोस्तों भुवनेश्वर कुमार आउट कर सकते हैं, क्योंकि देखो बाबर आजम बहुत बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन दोस्तों उसका एक कमजोरी है दोस्तों, वो जब बॉल अंदर आती है तो दोस्तों वो LPW बहुत बार होता है, तो ऐसे में दोस्तों भुवनेश्वर कुमार आपको मालूम है इस पिच पे दोस्तों सुपर इन स्विंग करा सकते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप भुवनेश्वर कुमार को टीम में रख के बाबर आजम को ड्रॉप कर सकते हो। आपको यदि लगता है दोस्तों रिजवान आउट हो जाएगा तो आप रिजवान को ड्रॉप कर देना, यहां पे दोस्तों आप ऋषभ पंत को रख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉम्बिनेशन देखो दोस्तों तो मैंने रिजवान को कैप्टन किया है, वाइस कैप्टन दोस्तों मैंने बाबर फखर जमान को किया, क्योंकि देखो फखर जमान फर्स्ट राउंड बैटिंग करने आ रहा है, तो डेफिनेटली आप इन्हें वाइस कैप्टन कर सकते हो। और ऐसे भी दोस्तों इसका इंडिया के अगेंस्ट सुपर रिकॉर्ड है, तो ये बात का दोस्तों ध्यान रखिएगा। इधर से दोस्तों देखो तो मैंने पाकिस्तान के जो भी इंपॉर्टेंट बॉलर है जो आज के मैच खेल सकते हैं उन सभी को मैंने अपने टीम में रखा है, एस खान, एम नवाज, हसन अली, एम शाह और एच राउत। दोस्तों पांचों इंपॉर्टेंट बॉलर्स को मैंने अपने टीम में रखा है। इंडिया की तरफ से दोस्तों कोहली को मैंने रखा है, राहुल को रखा है, हार्दिक पांड्या और भुवनेश्वर कुमार को रखा है। ये कॉम्बिनेशन था दोस्तों पाकिस्तान को फेवर करके, ठीक ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ दोस्तों इंडिया को फेवर करके कॉम्बिनेशन। यदि दोस्तों मान के चलो इंडिया की टीम 8 विकेट से मैच विन करती है तो आप कैसे कॉम्बिनेशन बनाओगे। चलो हम लोगों ने देख लिया 10 विकेट से मैच विन कर रही है, 9 विकेट से मैच विन कर रही है। यदि दोस्तों इंडिया की टीम सेकेंड बैटिंग कर रही है और 7 विकेट से मैच विन कर रही है, 6 विकेट से मैच विन कर रही है, तो आप कैसे कॉम्बिनेशन बनाओगे। तो दोस्तों ऐसे में दोस्तों कैप्टन मैंने फिर से राहुल को रखा है, क्योंकि दोस्तों मुझे जैसा लगता है राहुल स्टार्टिंग से लेके अंत तक खेल सकता है। रोहित शर्मा दोस्तों मुझे मालूम है रोहित शर्मा यदि स्टार्ट करेगा तो लास्ट तक T20 में उसका रिकॉर्ड है, कभी भी नहीं खेला है। मैं बता दूं दोस्तों T20 में उनका शतक भी है, दो दो तीन तीन शतक है, लेकिन दोस्तों बता दूं सभी शतक में मात्र एक ही शतक में रोहित शर्मा लास्ट तक प्ले किए थे, अदरवाइज दोस्तों दोनों में 10 ओवर और 12 ओवर के बाद आउट हो जाते थे। और राहुल दोस्तों आपको मालूम है ये स्लो खेलेगा लेकिन कोशिश करेगा लास्ट तक खेले। तो आपको यदि लगता है रोहित शर्मा को टीम में रखना चाहिए तो आप राहुल को ड्रॉप करके रोहित शर्मा को रख लेना। वाइस कैप्टन दोस्तों मैंने यहां पे सूर्यकुमार यादव किया है। आप दोस्तों यदि ध्यान दो तो मैंने कोहली को ड्रॉप कर दिया है, क्योंकि देखो मेरा जो कॉम्बिनेशन है उस कॉम्बिनेशन में दोस्तों मुझे इंडिया का 2 विकेट स्टार्टिंग में चाहिए, तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों आप ये कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हो। मैंने देख लो पाकिस्तान के ओपनर बॉलर नदीम शाह को रखा है, एम नवाज को रखा है। दोस्तों यदि मान के चलो कोहली 6 ओवर के बाद आउट होता है तो दोस्तों उसके लिए भी मैंने पाकिस्तान के एक स्पिनर को रखा है, एस खान को, जो दोस्तों पावर प्ले के बाद बॉलिंग कराते हुए आपको नजर आ सकते हैं। और ऐसे भी दोस्तों आपको ध्यान होगा तो कोहली का दोस्तों लेग स्पिनर के सामने बहुत ही घटिया रिकॉर्ड है दोस्तों इधर लास्ट 2-3 साल में। तो ऐसे कॉम्बिनेशन में दोस्तों आप ये टीम के साथ जा सकते हो। इसमें देखो तो मैंने इंडिया के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉलर थे सभी को अपने टीम में रखा है, ए सिंह, वाई चहल, भुवनेश्वर कुमार, हार्दिक पांड्या। पाकिस्तान की तरफ से रिजवान को रखा है दोस्तों टीम में, बाबर आजम को रखा है बैटिंग सेक्शन से। आप यदि फखर जमान को करना चाहते हो तो आप फखर जमान को भी टीम में रख सकते हो। ये कॉम्बिनेशन दोस्तों ध्यान रखना, इंडिया सेकेंड बैटिंग कर रही है और इंडिया को दोस्तों आप चाह रहे हो कि ऐसा कॉम्बिनेशन बनाए जिसमें दोस्तों इंडिया 8 विकेट से मैच विन कर रही है, तो ये कॉम्बिनेशन आपके लिए परफेक्ट बनता है। बात करें नेक्स्ट कॉम्बिनेशन दोस्तों, ये भी मैंने इंडिया को फेवर करके बनाया। इस कॉम्बिनेशन का दोस्तों नाम है चहल टाइम। दोस्तों यदि
चहल इस मैच में मैच विनर बनते हैं, तो दोस्तों आप कैसे कॉम्बिनेशन बनाओगे चहल को फेवर करके। तो दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, यदि आप चहल को फेवर कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको दोस्तों पाकिस्तान के दोनों ओपनर को अपने टीम में रखना होगा, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन में यदि दोस्तों आपको मानना है कि पाकिस्तान का 1 से 6 ओवर तक विकेट नहीं जाता है, लेकिन पावर प्ले के बाद दोस्तों चहल अपना दंगा मचा रहे हैं दोस्तों, बहुत विकेट ले रहे हैं, एटलीस्ट दोस्तों 3 से 4 विकेट ले रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप देख सकते हो मेरे टीम में बाबर आजम भी, सॉरी इधर से फखर जमान को मैंने ड्रॉप कर दिया है, इतिहार अहमद को दोस्तों मैंने ड्रॉप कर दिया, आप देख सकते हो कोई भी मेरे टीम में नहीं है। साथ ही साथ दोस्तों आप ध्यान दो तो मैंने दोस्तों नवाज को भी ड्रॉप कर दिया है। जो भी दोस्तों इनके मिडिल ऑर्डर के पाकिस्तान के बैट्समैन हैं आप उनको ड्रॉप कर सकते हो यदि आप चहल को कैप्टन बना रहे हो। और दोस्तों वाइस कैप्टन मैंने हार्दिक को किया है। और साथ ही साथ दोस्तों यदि आप ध्यान दो तो मैंने पाकिस्तान के भी बॉलर को रखा है दोस्तों, आप देखो तो मैंने दोस्तों राहुल को रखा है, क्योंकि देखो इंडिया का विकेट तो गिर रहा है तभी ना दोस्तों मैंने 4 बैट्समैन को अपने टीम में रखा है। तो विकेट टेकर बॉलर दोस्तों कौन है पाकिस्तान के लिए, एस खान और दोस्तों एस राहुल, क्योंकि दोस्तों सईद अफरीदी तो है नहीं, तो ऐसे में दोस्तों ये दो बॉलर पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यदि दोस्तों आप चहल को फेवर करके टीम बना रहे हो तो ये कॉम्बिनेशन रख लेना, आप सभी टीम का दोस्तों स्क्रीनशॉट लेके ही रखना, ठीक ना। बात करें दोस्तों नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, तो दोस्तों नेक्स्ट कॉम्बिनेशन दोस्तों मैंने इंडिया को ही फेवर किया है। इस वाले कॉम्बिनेशन में दोस्तों यदि इंडिया के दोनों ओपनर स्टार्टिंग में ही आउट हो जाती है, और दोस्तों ऐसा हुआ है पाकिस्तान के अगेंस्ट, दोस्तों इंडिया का बहुत ही खराब रिकॉर्ड है यदि दोस्तों आप ओपनर का बात करो, तो ऐसे में दोस्तों आपको एक कॉम्बिनेशन तो डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए ग्रैंडलिंग में, जिसमें दोस्तों आप दोनों ओपनर को ड्रॉप कर रहे हो, चाहे वो कितना भी बड़ा खिलाड़ी क्यों नहीं हो हम लोग ड्रॉप कर सकते हैं। तो दोस्तों देखो इस टीम में मैंने ना राहुल को रखा है ना रोहित को रखा है, ऐसे कंडीशन में दोस्तों आपको पाकिस्तान के ओपनर बॉलर को अपने टीम में रखना होगा। तो दोस्तों देख सकते हो मैंने नदीम शाह को भी रखा है, एस राहुल को भी रखा है और दोस्तों एम नवाज को रखा है, तीनों दोस्तों आपको पावर प्ले में बॉलिंग कराते हुए नजर आ सकते हैं। और इधर से देखो तो दोस्तों मैंने इंडिया के मिडिल ऑर्डर के जो भी बैट्समैन हैं सभी मेरे टीम में हैं, कोहली, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, चारों दोस्तों जो मेन मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं सभी मेरे टीम में हैं। हार्दिक मेरे कैप्टन है, वाइस कैप्टन दोस्तों मैंने कोहली को किया है, क्योंकि देखो हार्दिक से मैं रन तो एक्सपेक्ट कर ही रहा हूं और साथ ही साथ दोस्तों 1 से 2 विकेट भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं। और दोस्तों हार्दिक पांड्या आपको दे सकते हैं, इंडिया के लिए दोस्तों अभी ये लकी चैंप है। आपको दोस्तों ये भी रिसेंटली मैच दोस्तों ध्यान में होगा, चाहे वेस्ट इंडीज का मैच देख लो, चाहे दोस्तों आप इंग्लैंड का मैच देख लो, इंडिया को जब भी विकेट का काम होता था दोस्तों हार्दिक पांड्या आते थे और अपना स्लोरो वन से विकेट ले लेते थे। तो दोस्तों ये कॉम्बिनेशन के साथ आप जा सकते हो यदि आप इंडिया के दोनों ओपनर को ड्रॉप करके कॉम्बिनेशन बना रहे हो। इस कॉम्बिनेशन में दोस्तों आप ध्यान दोगे तो दोस्तों मैंने भुवनेश्वर को रखा है, हार्दिक को रखा है। यदि आप कोई चेंज करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो दोस्तों, आप बावर इधर से सॉरी फखर जमान को ड्रॉप करके इंडिया के एक बॉलर को रख लेना, तब दोस्तों कॉम्बिनेशन और आपके लिए बेटर हो सकता है। दोस्तों नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, तो दोस्तों ये मेरा आखिरी कॉम्बिनेशन है दोस्तों इंडिया को फेवर करते हुए, ठीक ना। इसके बाद दोस्तों हम लोग 2-3 कॉम्बिनेशन पाकिस्तान को फेवर करके हुए देखेंगे टीम हम मैंने कैसे बनाया, क्योंकि देखो दोस्तों ग्रैंड लीग खेल रहे हैं हम लोग, स्मॉल लीग तो खेल नहीं रहे कि हम लोग को एकदम सेफ ही टीम बनाना है। रिक्सी कॉम्बिनेशन हम लोग बना सकते हैं, फ्री है, और दोस्तों सभी कॉम्बिनेशन दोस्तों हम लोग इंडिया को फेवर करके नहीं बनाना चाहिए, हम लोग को दोस्तों पाकिस्तान को भी फेवर करना चाहिए, क्योंकि देखो पाकिस्तान भी दोस्तों बहुत ही सुपर टीम है, लास्ट टाइम दोस्तों इंडिया को T20 मैच में हरा के आ रही है। तो ये कॉम्बिनेशन दोस्तों यदि आप ध्यान से देखोगे तो इस कॉम्बिनेशन में मैंने क्या किया है दोस्तों, आप नाम से ही देखो तो आपको मालूम चल जाएगा, ओपनर बैट्समैन प्लस बॉलर, दैट मींस दोस्तों इंडिया के जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है वो मेरे टीम में होंगे, और दोस्तों जो इंडिया के बॉलर है, जो मेन बॉलर है, भुवनेश्वर कुमार, चहल और आबेश खान, ये तीनों दोस्तों आपके टीम में होने चाहिए। कैप्टन मैंने रोहित को किया है, वाइस कैप्टन दोस्तों भुवनेश्वर को किया है। इस टीम से मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं दोस्तों, रोहित शर्मा बड़ा पारी खेल रहा है और बॉलिंग से दोस्तों भुवनेश्वर कुमार बहुत ही सुपर बॉलिंग कर रहा है। आप देख सकते हो मैंने टीम में दोस्तों बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया, क्योंकि देखो आप भुवनेश्वर को वाइस कैप्टन कर रहे हो तो डेफिनेटली दोस्तों भुवनेश्वर किसी ओपनर का ही विकेट लेगा। तो आप चाहते हो तो रिजवान को भी ड्रॉप कर सकते हो, नहीं तो आप बाबर आजम को भी ड्रॉप करके कर सकते हो। मैं देखो तो यहाँ पे स्टार्टिंग के फखर जमान को भी टीम में नहीं रखा है, क्योंकि दोस्तों आबेश खान को भी मैंने टीम में रखा है, जो दोस्तों आउट कर सकते हैं पाकिस्तान के जितने भी टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं। तो इस कॉम्बिनेशन में दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको पाकिस्तान के जो मिडिल ऑर्डर के जो बैट्समैन है, जो मेनली डेथ में आते हैं बैटिंग करने, उसको आप टीम में रखो। आप देख सकते हो ए अली जो आपको मेनली दोस्तों 10 ओवर के बाद बैटिंग करने आते हैं, एस खान दोस्तों पावर हीटर बैट्समैन है, फिनिशर है, फिर एम नवाज दोस्तों ये भी बैटिंग कर लेते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन दोस्तों आप तभी यूज करना यदि
आप इंडिया के टॉप ऑर्डर को फेवर करके टीम बना रहे हो, ठीक ना। आप नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देखो तो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन दोस्तों अब मैं पाकिस्तान को फेवर करके टीम बनाया हूँ। इस कॉम्बिनेशन का दोस्तों आप नाम ही देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है ना कॉम्बिनेशन को समझने में तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, क्योंकि देखो वहीं पर मैं आपका कन्फ्यूजन क्लियर कर सकता हूँ। दोस्तों बात करें इस टीम का तो दोस्तों आप नाम देखो, पाक ओपनर बॉलर, डैट मीन्स मैं पाकिस्तान के ओपनर बॉलर्स को एक फेवर करके टीम बना रहा हूं। तो दोस्तों पाकिस्तान के ओपनर बॉलर को आप फेवर कर रहे हो तो डेफिनेटली दोस्तों आप इंडिया के जितने भी टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं उनको आपको दोस्तों ड्रॉप करना होगा। तो दोस्तों इस कॉम्बिनेशन में मैंने न रोहित शर्मा को रखा है न दोस्तों राहुल को रखा है। इस कॉम्बिनेशन में मैंने दोस्तों इंडिया की तरफ से कोहली को रखा है, ऋषभ पंत को रखा है, हार्दिक पांड्या को रखा है और दोस्तों आप सभी को मैंने ड्रॉप कर दिया है। सूर्यकुमार यादव को भी दोस्तों मैंने ड्रॉप कर दिया है, क्योंकि देखो सूर्यकुमार यादव भी दोस्तों स्विंग बॉल के सामने फंसता है। और कैप्टन वाइस कैप्टन देखो तो दोस्तों मैंने एस राव को कैप्टन किया है, वाइस कैप्टन दोस्तों नदीम शाह को किया है, जो दोस्तों पाकिस्तान के अभी आज के मैच में दोस्तों मेन बॉलर होने चाहिए और जो पावर प्ले में बॉलिंग करेंगे। और दोस्तों पावर प्ले में आप यदि इंडिया के टॉप ऑर्डर को ड्रॉप कर रहे हो तो दोस्तों डेफिनेटली यही दोनों ना विकेट लेंगे। तो डेफिनेटली दोस्तों ये कॉम्बिनेशन के साथ आप जा सकते हो यदि दोस्तों आप पाकिस्तान को फेवर करके टीम बना रहे हो। तो आप इस कॉम्बिनेशन में देखो तो मैंने ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को 10 विकेट से मैच विन करिए, दोस्तों पाकिस्तान का भी विकेट गिर रहा है, इसलिए दोस्तों मैं इस कॉम्बिनेशन में बाबर आजम, रिजवान, फखर जमान को अपने कॉम्बिनेशन में रखा है। और विकेट कौन ले रहा है दोस्तों इंडिया की तरफ से, तो दोस्तों एक खान ले सकते हैं नहीं तो हार्दिक पांड्या विकेट ले सकते हैं। बात करें दोस्तों नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, तो दोस्तों ये मैंने बैलेंस टीम बनाया है। दोस्तों ये बैलेंस टीम मैंने पाकिस्तान को ही थोड़ा सा फेवर किया है। आप दोस्तों यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन चेंज भी कर सकते हो, लेकिन इस वाली टीम में देखो मैंने किसको अपने टीम में रखा है, रिजवान, रोहित शर्मा, बाबर आजम, राहुल, ए अली, नीचे से हार्दिक पांड्या, सरफराज खान, एम नवाज, बॉलिंग सेक्शन से चहल, आवेश खान और एस राउत। दोस्तों इस वाली कॉम्बिनेशन में आप देखो तो दोनों टीमों का मैंने बैलेंस प्लेयर, जो टॉप बैट्समैन है, जो टॉप बॉलर है, उनको मैंने अपने टीम में रखा है। आपको एक थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस देखने को मिल रहा होगा, मैंने दोस्तों भुवनेश्वर कुमार को ड्रॉप कर दिया है। रीजन क्या है दोस्तों, इधर से दोस्तों मैंने रिजवान को भी टीम में रखा है और बाबर आजम को भी टीम में रखा है। तो दोस्तों यही कारण है कि मैंने इधर से भुवनेश्वर को ड्रॉप कर दिया, जो दोस्तों मैक्सिमम आपको पावर प्ले में बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे और दोस्तों मैक्सिमम विकेट भुवनेश्वर पावर प्ले में ही लेते हैं। इस कॉम्बिनेशन में दोस्तों मैंने कैप्टन इधर से देखो तो बाबर आजम को किया, वाइस कैप्टन दोस्तों मैंने रोहित को किया, क्योंकि देखो मैं पाकिस्तान का ज्यादा विकेट तो चाह नहीं रहा हूं कि वो गिरे। तो ऐसे में दोस्तों आप बाबर आजम को कैप्टन करके वाइस कैप्टन रोहित शर्मा कर सकते हो। बात कर ले दोस्तों नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, तो दोस्तों नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है मेरा रिवर्स कैप्टन कॉम्बिनेशन। अब आप पूछोगे ब्रदर रिवर्स कैप्टन कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो चलो मैं बताता हूं। दोस्तों रिवर्स कैप्टन कॉम्बिनेशन में आपको सामने वाले ओपनर को कैप्टन करना होता है और दोस्तों सामने वाला जो टीम है जो बॉलिंग करा रहा है दोस्तों उस टीम के जो डेथ बॉलर है उनको वाइस कैप्टन करना होता है, जो दोस्तों पावर प्ले में भी विकेट ले सकता है और डेथ में भी विकेट ले सकता है। तो दोस्तों मैंने रिजवान को कैप्टन किया, तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने वाइस कैप्टन भुवनेश्वर कुमार को किया है, दोस्तों पावर प्ले में भी विकेट ले सकते हैं और साथ ही साथ डेथ में भी विकेट ले सकते हैं। तो ऐसे कॉम्बिनेशन में दोस्तों ये कॉम्बिनेशन बहुत ही सही होता है। और जानते हो एक बार मैं बता दूं दोस्तों, हम लोग का जो रिवर्स कैप्टन कॉम्बिनेशन है दोस्तों ये मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन रहता है, हमेशा मैं यूज करता हूं। दोस्तों ये वाला कॉम्बिनेशन तो मैंने पाकिस्तान को फेवर किया है, लेकिन दोस्तों मैं एक और आपको कॉम्बिनेशन बताऊंगा जिसमें मैंने दोस्तों इंडिया को फेवर करके एक रिवर्स कैप्टन बनाया है, वो भी दोस्तों काफी सुपर कॉम्बिनेशन है रिवर्स कैप्टन का। चलो ये वाला कॉम्बिनेशन में देख लो मैंने प्लेयर किसको किसको रखा अपने टीम में, रोहित शर्मा, कोहली, केएल राहुल, ए अली, हार्दिक पांड्या, सरफराज खान, एम नवाज, भुवनेश्वर कुमार, वाई चहल और दोस्तों इधर से मैंने एस राउत को रखा है। भुवनेश्वर को मैंने वीसी किया है, इसलिए दोस्तों मैंने पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर को एक दो बैट्समैन को मैंने ड्रॉप कर दिया है। आप नहीं करना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, आप ए अली को ड्रॉप करके यहाँ पे फखर जमान को अपने टीम में रख सकते हो और सब टीम दोस्तों सेम रखना। जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है दोस्तों इसमें मैंने इंडिया को फेवर करके रिवर्स कैप्टन कॉम्बिनेशन बनाया है। और दोस्तों एक और बात बता दूँ, ये दोस्तों हम लोग का आखिरी ग्रेनली का कॉम्बिनेशन है। यदि दोस्तों मैं और ग्रेनली का बनाता हूं दोस्तों तो वो भी मैं दोस्तों आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ठीक ना। टेंशन मत लेना, जितना ग्रेनली का कॉम्बिनेशन बनाना है दोस्तों आप बना सकते हो और मुझसे आप जितना भी हेल्प लेना चाहते हो दोस्तों ले सकते हो। इस वाले कॉम्बिनेशन में दोस्तों देखो तो मैंने रोहित को कैप्टन किया है और वाइस कैप्टन दोस्तों मैंने एस रव को किया है। रिवर्स कैप्टन कॉम्बिनेशन जैसा मैंने बोला था दोस्तों, सामने वाले टीम को आप कैप्टन कर रहे हो तो जो अगेंस्ट टीम है उसके जो डेथ बॉलर है और साथ ही साथ दोस्तों जो पावर प्ले में विकेट ले सकता है उसको आपको वीसी करना होता है। आप दोस्तों
रिवर्स भी कर सकते हो, आप कैप्टन एस राव को क्या के वाइस कैप्टन रोहित शर्मा को भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़्यादा चेंजेस मत करना इस टीम में। दोस्तों देखो तो मैंने रिजवान को रखा है, रोहित शर्मा, कोहली, सूर्यकुमार यादव, बाबर आजम, हार्दिक पांड्या, इस खान, भुवनेश्वर कुमार, वाई चहल, नदीम शाह और वाइस कैप्टन के रूप में दोस्तों मैंने एस राव को रखा है अपने टीम में। और दोस्तों आप सभी टीम का स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक ना, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं फिर एक बार फिर से बोल रहा हूँ, आप मुझसे पूछ लेना नीचे कमेंट सेक्शन में। और आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों ने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया होगा, नहीं किए हो दोस्तों तो कर लेना, ठीक ना। टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, और साथ ही साथ दोस्तों कमेंट सेक्शन का अभी जो फर्स्ट वाला कमेंट होता है वहाँ पे दोस्तों पिन किया हुआ दोस्तों मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक, ज्वाइन कर लेना। और दोस्तों अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, आप देख सकते हो आप सभी के लिए मैंने कितना मेहनत किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का दोस्तों घंटी ज़रूर बजा देना, जिससे दोस्तों मेरे वीडियो का आपको इजीली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। फिर मिलते हैं दोस्तों आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।